बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जी न्यूज वहां पर पहुंचा और तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से सीसीटीवी में गेस्ट हाउस में रूम बुक करते हुए नजर आए हैं ये दोनों आरोपी, जिन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया था 1 मार्च को, और उसके बाद लगातार फरार चल रहे थे। जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, आप वहां पर पहुंचे और देखा आपने कि किस तरह से इन लोगों ने वहां पर फर्जी नाम से एंट्री की थी, लंबे समय तक इसी तरह से वो लोग छिपते रहे थे। देखिए, एनआईए सूत्रों से जो पता चल रहा है कि 1 मार्च के बाद 10 दिन के भीतर ही वो ये दो आतंकी पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे, और ये दोनों में से एक तो मास्टरमाइंड है इस पूरे घटना में, और दूसरे जो जिन्होंने आईडी प्लान किए थे वॉश एरिया में। जो बताया जा रहा है सूत्रों से अभी तक हमें पता चला है, 12 से 13 तारीख कोलकाता के एक होटल में रुके, फिर 13 तारीख उन्होंने होटल चेंज कर लिया, 13 और 14 दूसरे होटल में रुके, इसके बाद से उनका कोई ट्रेस अभी तक नहीं मिला। फिर 21 तारीख फिर से कोलकाता में पहुंचे, कोलकाता के एक होटल में रुके, 21 से 23 तारीख 2 दिन तक वहां पर रुके, फिर 25 से 28 तारीख तक एक होटल में रुके। और जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उस पर हम ये भी देख रहे हैं कि इनके पास पैसा भी है। तो अभी एनआईए की तरफ से ये भी जाँच चल रही है, क्योंकि एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है कि इनका जो नेटवर्क जैसे बनाया था, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट पे गए, तो हर एक स्टेट जो कनेक्टेड स्टेट है उन स्टेट्स की पुलिस की भी मदद लिया जा रहा है वो, और ये पता करने की कोशिश किया जा रहा है इनके पास जो ये जो होटल में पेमेंट कर रहे थे, ये जो ट्रैवल कर रहे थे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा था। और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है 10 मार्च को यहाँ पर पहुँचे और कल भी यहाँ पश्चिम बंगाल से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये जो बीच का जो ये समय था पश्चिम बंगाल में, क्या उनका कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है, क्या पश्चिम बंगाल में उनको सेफ शेल्टर देने के लिए कोई बैकअप प्लान पहले से ही रेडी था, इस पर भी जांच शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो अब पूरी तरह से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी जो यहाँ पहुंचे थे इनका मददगार कौन था, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। समित, साथ ही साथ इनके पास फर्जी जो आधार कार्ड वगैरह भी उपलब्ध थे, फर्जी जो पहचान पत्र उपलब्ध हो रहे थे, ये भी पता करने की जरूरत है कि आखिरकार ये किस तरह से इन्होंने हासिल किए थे। जी ज़रूर, ये कैसे हासिल किए थे ये भी पता किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो आतंकियों में से एक आतंकी अपना हिंदू नाम से अपना आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाया था। जब हम इन होटल्स में गए और उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आधार कार्ड देता है तो आधार कार्ड के समेत वीडियो आ रहा है, एक और वीडियो है जो कि दूसरा वीडियो है जिसमें साफ साफ इनका चेहरा देखा जा सकता है, ये अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये दोनों आरोपियों में से पहला आरोपी और ये दूसरा आरोपी, इन दोनों को आप देख सकते हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बेंगलुरु ब्लास्ट के ये दोनों आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ताहा और मुबीन, इन दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, नाम और पहचान बदलकर छिपते रहे थे आतंकी, लेकिन जी न्यूज आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें साफ साफ इनका चेहरा देखा जा सकता है। इन्होंने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है, लेकिन अब ये वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनमें इनका जो पूरा का पूरा था ट्रेस किया गया है। दोनों आरोपियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने के बाद ये लोग 10 दिनों बाद, एनआईए के मुताबिक 10 दिनों के बाद पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल, अलग अलग जगह ये छिप रहे थे। सिर्फ 2 घंटे में इन आरोपियों को पकड़ लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये लंबे समय तक वहां पश्चिम बंगाल में छिपते रहे थे, और अब एनआईए की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास जो पैसे थे, उनके पास जो आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र थे, क्या उन्हें किसी मददगार ने मुहैया कराए थे। हमारे सहयोगी समित सेन गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। समित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अब उसमें एकदम साफ साफ इनका चेहरा भी दिख रहा है, इन्हें ऐसा लग नहीं रहा था कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का कोई खतरा लग रहा था, क्योंकि अगर बात की जाए बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद वहां से उन्होंने पहचान छिपा करके वो गायब हो गए थे, लेकिन यहां खुलेआम घूम रहे थे। देखिए, अगर देखा जाए तो जो एनआईए के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 10 मार्च ही वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे, और सिर्फ कोलकाता और दीघा नहीं, मिदनापुर ही नहीं,
वो उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में भी इस बीच गए थे, ऐसा भी सूत्रों से हमें पता चल रहा है। अगर ऐसा ही है तो करीब 32 दिन तक वो कोलकाता में ही या पश्चिम बंगाल में ही रहे। अब ये करीब एक महीने के समय कैसे वो पश्चिम बंगाल में रहे, इसी पर विरोधियों की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। जबकि ममता बनर्जी का दावा है कि 2 घंटे में उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 घंटे से पहले जो NIA का जो सूत्रों से पता चल रहा है, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी जब जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, ठीक है। समेत इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु लाए गए हैं इन ये दोनों आरोपी और इन्हें NIA की टीम मेडिकल जांच के लिए ले गई है। बेंगलुरु लाए गए हैं रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। काफी तेजी से इसमें ये खबर डेवलप हो रही है, इसमें तस्वीरें सामने आ रही है, हम सब तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ताजा तस्वीर जो कि बेंगलुरु की है, कैफे ब्लास्ट के आरोपियों को यहां लाया गया है और मेडिकल जांच के लिए NIA की टीम इन्हें लेकर के गई है। बेंगलुरु के ही रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इन दोनों ने एक IED के जरिए ब्लास्ट किया था और इसमें बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए थे, दहशत फैलाना इनका मकसद था। मेडिकल जांच के लिए NIA की टीम इन्हें लेकर के गई है। समित सेन गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समित, अब निश्चित तौर पर इन आरोपियों को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी उनके कर्मों की, लेकिन इनका जो ये ट्रेल रहा है इतने दिनों का, इतने दिनों तक ये किस तरह से छिपते रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये अब पूरा खुलासा NIA के लिए करना होगा, जरूरी होगा। जी, ये बहुत जरूरी है कि कैसे वो जो मैं बता रहा था कि करीब 1 महीने के आसपास जो ये जो पीरियड था जो बताया जा रहा है, 10 मार्च के बाद से पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर ये लोग गए, ये जो इनका ट्रांजिट था एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, और ये दूसरे होटल भी बदलते गए, जो बताया जा रहा है सिर्फ दक्षिण बंगाल में ही नहीं, कोलकाता बिंदापुर ही नहीं, उत्तर बंगाल में भी ये वहाँ पर भी पहुँचे थे। लेकिन इनको ये ट्रांजिट के लिए कैसे, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि होटल में रहना, इसके लिए पैसा काफ़ी खर्च हो रहे थे, ट्रैवल करना, ट्रैवल के लिए पैसा खर्च हो रहा था, ये पैसा कहाँ से आ रहा था। और जो विरोधियों की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से, जो कल शुरुआत से ही इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल आतंकियों का सेफ शेल्टर है, जबकि ममता बनर्जी ने सरासर इसको खारिज कर दिया है इस आरोप को, और उन्होंने बताई कि 2 घंटे में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन 2 घंटे में गिरफ्तार तब किया गया जब NIA की तरफ से इन्फॉर्मेशन, NIA और सेंट्रल IB की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया पश्चिम बंगाल पुलिस को, बिंदापुर के पुलिस को, कि यहाँ पर उनको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर उनको गार्ड करना है ताकि ये यहाँ से भाग ना जाए। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जब से सेंट्रल IB की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया और NIA ने अपना ऑपरेशन प्लान किया, उस ये पूरा समय लगा 2 घंटा, और 2 घंटे के भीतर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उससे पहले भी करीब 20 से 30 दिन तक पश्चिम बंगाल या आसपास के कई इलाके में ये घूमते रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो पता चल रहा है सिर्फ कोलकाता के ही, कोलकाता में और आसपास में 8 बार उन्होंने ठिकाना बदल किया, पता बदल किया, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है 4 होटल तो कोलकाता में ही जो मिला है, कोलकाता के ही 4 ऐसे होटल हैं जहाँ पर वो रुके थे। कुछ जगह से CCTV के फुटेज भी हमें मिले हैं, कहीं पे जो रजिस्टर्ड में जो दिया गया है, एक होटल में दिया गया 30 साल और 33 साल उम्र दिया गया है, दूसरे होटल जहाँ से विजुअल हम दिखा रहे हैं वहाँ पर 28 साल और 29 साल इनका उम्र दिया गया है, और उनमें से एक अपना नाम हिंदू बताया, और उनका जो एड्रेस दिया गया है, एक का एड्रेस दिया गया है पालघर महाराष्ट्र का। ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों, हालांकि NIA की अब ये जांच चल रही है और बेहद संवेदनशील मामला है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें आ रही है कि ये लोग अपने हैंडलर्स के भी संपर्क में थे और उनसे लगातार इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, क्या इसके बारे में कुछ पता चला है? जी देखिए, NIA की तरफ से इस पर अभी जांच चल रही है कि इनको मदद कौन कर रहा था, इनका हैंडलर्स कौन थे, और इस बीच ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि शायद असम से इनका कोई तार जुड़ा हुआ हो सकता है, शायद ये असम में गए होंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई पुख्ता सबूत NIA के पास नहीं मिला। लेकिन असम पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि असम की तरफ से जो असम में पिछले कुछ सालों में, आपको हम रोकना चाहेंगे, बेंगलुरु से ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेडिकल के लिए इन दोनों को ताहा और मासिब को लेकर के पहुंची है टीम और यहां पर मेडिकल जांच के लिए NIA की टीम लाई गई है। बेंगलुरु लाए गए हैं कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपी और इन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। शाजिब और ताहा, ये दोनों आतंकी जिन्होंने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया था, IED प्लांट करके जोरदार विस्फोट किया था, अब इन्हें पकड़ करके बेंगलुरु में यहां मेडिकल के लिए लाया गया है।
एनआईए की टीम मेडिकल के लिए लेकर आई है। पश्चिम बंगाल के दीघा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बेहद शातिर तरीके से इन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया और उसके बाद अपनी पहचान छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन एनआईए की टीम लगातार इनके पीछे लगी रही और आखिरकार इन्हें पश्चिम बंगाल के दीघा से गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके मददगार कौन थे, इनको हैंडल करने वाले लोग कौन थे, आतंकी विचारधारा से प्रेरित थे ये दोनों और उन्होंने बहुत शातिर तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद छिपने की कोशिश की थी। Z News.